हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं बहुत अच्छी हूँ। सुबह सुबह का टाइम है लेकिन बहुत ज़्यादा वाली सुबह नहीं है, 12 बज गए हैं आज और अभी तक मेरा खाना वाना नहीं बना है क्योंकि आज सबको जाना था किसी काम से बाहर, तो फिर ब्रेकफास्ट वगैरह हैवी बन गया थोड़ा सा, तो ये हुआ खाना थोड़ा आराम से बना लेंगे, तो दैट्स अ रीज़न। फिर मैं अपने बैठ के सुबह ही आज मैंने व्लॉग की एडिटिंग की, ब्लॉग अपलोड किया तो सारा टाइम उसमें चला गया क्योंकि रात में ना कल मुझे एकदम से इतनी तेज़ वाली नींद आने लगी रात में। बस मैं वॉक करके आई और देन आफ्टर मैंने गुड नाइट आपसे किया और फिर सो गई। बज रहा था 11:30 के करीब, तो मैंने एडिटिंग की नहीं। वैसे मोस्टली मैं रात को कर लेती हूँ पर सारा सुबह करनी पड़ी तो उसकी वजह से फिर मैंने एडिटिंग वगैरह की, चाय वाय पी और अब बज रहे 12। पर टेंशन नहीं, खाना बनाने में एक बार लग जाओ ना तो आधे घंटे का खाना होता है। इतना बस खाना सोचने में इतना टाइम लगता है ना कि क्या बनेगा क्या बनेगा क्या बनेगा, उतना टाइम ना बनने में नहीं लगता है। तो या अब मुझे पता चल गया कि मुझे आज क्या बनाना है, तो मैं जा रही हूँ किचन में। आप भी मेरे साथ चलिए और देखते हैं कि आज के खाने में क्या बनता है। सो फ्रेंड, मैं आ गई हूँ किचन में। खाना बहुत सिंपल सा बनना है आज। बनानी है अरहर की दाल, चावल, रोटी और धनिया पुदीना की चटनी पहले से रखी हुई है तो बस वही बनाना है। यहाँ मैं बिन रही हूँ और नैन्सी से बात कर रही हूँ। नैन्सी ना बाहर वाले कमरे पे है और हम लोग ऐसे ही बात कर रहे हैं, वो अपना काम कर रही है और हम अपना काम कर रहे हैं और ऐसे बात करते जा रहे हैं और उससे हम कुछ कह रहे हैं और ऐसे बात कर रहे हैं। सोचो अगर कोई इंसान नॉर्मली, आपको इस कैमरे में कोई नहीं दिख रहा है और नॉर्मली वो अगर ऐसे ही बड़बड़ाता रहे तो कैसा लगेगा ना। तो यहाँ मेरी दाल बिन गई है और आज दाल बनानी है जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी वाली बन जाएगी। मेरे यहाँ ना अरहर की दाल बहुत ज़्यादा सिंपल बनती है, जीरे से छौंक के या लहसुन से छौंक के प्लेन बनती है। तो बस आज मुश्किल से मुझे ना 15 मिनट लगे थे दाल चावल जितने देर बॉयल होने में लगा उतना टाइम लगा था और बस रोटियां बनाने में टाइम लगी थी। रोटी भी बहुत ज़्यादा नहीं बनी थी, 6 या 7 रोटियां बनाई थी मैंने तो बहुत टाइम नहीं लगा था। इधर मैंने चावल धो के पहले ही रख दिया है और अब दाल चढ़ाऊँगी। तो हमारी दाल भी चढ़ गई है और मुझे ना थोड़ा सर पे हेडक हो रही है, शायद इस चोटी की वजह से हो रही, क्योंकि ना मैं ऐसे टाइट चोटी करती नहीं हूँ और आज की ना तो शायद तभी मेरे सर में लग रही है। और यहाँ मैं आटा गूंद रही हूँ, देख रहा कितना जरा सा आटा है, बहुत थोड़ा सा आटा गूंदता है लेकिन ज़्यादा गूंदने का भी फ़ायदा क्या है जब कोई खाएंगे नहीं। आपको पता जितना आटा मैंने गूंदा है ना उसमें से 7 रोटी बनी थी और 7 की 7 रखी रह गई, किसी ने नहीं खाया। मतलब मम्मा ऑफिस से आ गई थी तो उन्होंने भी नहीं खाया, उन्होंने बोला मैं दाल चावल सिर्फ खाना है। नैन्सी ने भी वही किया, मैं दाल चावल खाना है और मेरे में भी चावल में दाल डाल दी थी ना तो फिर मैंने भी दाल चावल ही खा लिया, तो रोटी किसी ने नहीं खाया। आज शाम को ना मैंने चाय ली है और थोड़े से ये आता है ना टेढ़ा मेढ़ा ये लिया है, तो भैया लेके आए थे इसका बड़ा पैकेट तो भाई थोड़े थोड़े सबने ये लिया है और चाय ली है। चाय ना अदरक वाली है और मैंने बोला था ना सुबह हेडक टाइप की हो रही थी, इसी वजह से मैंने अदरक वाली चाय बनाई भी है और ली भी है पीने के लिए। उसके बाद चाय पीने के बाद हम लोग निकल गए थे इवनिंग वॉक पे,
तो मैं और मेरी सिस्टर गई थी, क्योंकि कल नहीं हम लोग जा पाए थे ना, तो दैट्स अ रीज़न मैंने कहा आज जाते हैं। हे गाइस, गुड इवनिंग। शाम का टाइम है और हम और मेरे साथ नैन्सी आ गए हैं वॉक पे। कल की तरह ही मौसम है आज का, मतलब ठंडा ठंडा वाला मौसम है और बढ़िया सा हवा चल रही है। बट बेनिफिट ये है कि पानी नहीं गिर रहा, तो हम लोग आज निकल आए हैं वॉक के लिए और मज़ा आ रही है। थोड़ी देर टहलेंगे फिर जाएंगे घर, है ना। सो फ्रेंड, हम लोग जहाँ वॉक कर रहे थे ना, वहाँ पे ऐसे करके कुछ कोटेशंस लिखी हुई थी हेल्थ से रिलेटेड। योग करो, निरोग रहो, और ऋषि आद्रेय, ऐसे करके जो ऋषि थे ना, जो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें करते थे, मतलब वैद टाइप के थे, उनके बारे में लिखा है और उनकी उपलब्धि के बारे में लिखा है कि उन्होंने क्या किया है। जैसे ऋषि भरद्वाज, इन्होंने क्या किया है, और चवन्य ऋषि, इन्होंने च्यवनप्राश बनाया, ये मुझे कल ही पता चला है। तो ऐसे करके ना पूरे वॉल पे लिखा हुआ है। अगर आपको कोटेशन पढ़नी है तो आप मुझे बताना, मैं आपको एक एक करके सारी कोटेशन पढ़ के बताऊंगी, अगर आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो। मैंने तो बस ऐसे ही पिक्स ली हैं और रुक रुक के देखा भी है, तो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और बाकी बहुत ज़्यादा सुंदर लिखी थी। और पतंजलि ऋषि थे, मतलब हम लोग तो ना सिर्फ पतंजलि स्टोर बाबा रामदेव को जानते, पर ये ऋषि का नाम पे उनका रखा गया था। तो ये सब चीज़ें मैंने कल देखी, बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने पिक्स देखी थी, मतलब पढ़ा नहीं था, तो कल पढ़ा आप लोगों की वजह से, क्योंकि मुझे वीडियो में दिखाना था, दैट्स रीज़न मैंने रुकी और रुका तो पढ़ा। तो एक थैंक्स आपकी तरफ कि आपकी वजह से मैं काफ़ी न्यू न्यू चीज़ें सीख रही हूँ। तो यस, फिर मैं घर आई तो घर पे बन रही थी वेज सैंडविच। तो यहाँ पे इतनी सारी वेज सैंडविच है, और गाइज ये बहुत 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 टेस्टी है। इसकी रेसिपी मैंने शॉर्ट में ली है, अगर आप बोलोगे तो मैं इसका फुल वीडियो भी लेके आऊँगी। बहुत क्विक बन जाती है और हेल्दी भी होती है, तो बच्चों को बहुत पसंद आएगी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ऐसा लग रहा था कुछ बाहर की चीज़ें खाई, मज़ा आई खाने में। और खाना भी बनना था एक तरफ, तो सबने एक एक ये खाई और फिर खाना खाया। खाने में थे आलू बैंगन की सब्जी, चावल, रोटी, तो मैंने आज एक रोटी ली, पता नहीं क्यों अंदर से मन नहीं हो रहा रोटी खाने का, और वैसे भी ये सब्जी के साथ ना मुझे चावल ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने एक रोटी ली है क्योंकि मम्मा ने बोला था नहीं रोटी तो खानी ही पड़ेगी, सुबह भी नहीं खाई। हे फ्रेंड्स, सुबह से शाम हो गई और मुझे याद ही नहीं था कि मैंने कल वीडियो में बोला था कि मैंने जो कुरियर मंगवाया है मीशो से, तो वो आपको दिखाना था। और अभी मैं अपने रूम में आई तो बस मुझे याद आया कि अरे मुझे तो वो दिखाना था, तो चलो मैं साथ में लेके बैठी हूँ, एक एक करके आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसा क्या है। वैसे दिन में मैंने ना उसे कट करके देखा था, क्योंकि मैंने शॉर्ट्स बनाई हैं तो वो डालूंगी, लेकिन आपको अलग से भी ऐसे दिखा देती हूँ और बताती हूँ कि कैसा कपड़ा है क्या नहीं। चलो। सो फ्रेंड, मीशो से मैंने मंगाया है एक क्वाड सेट और एक टॉप। तो सबसे पहले आपको टॉप दिखाते हैं। तो मैंने इसको ओपन करा हुआ है और पहना है सुबह शॉर्ट्स में, और वरना इसके ऊपर पन्नी थी मीशो वाली, जो कि आजकल चेंज हो चुकी है। मीशो की पन्नी, आपने अभी रिसेंट में अगर ऑर्डर किया होगा तो पता होगा कि मीशो की पन्नी चेंज हो चुकी है। उसके अंदर एक बैग और था। सो फ्रेंड, ये है टॉप। ये लोग ना कुछ पीछे पीछे बैठ के बात कर रही है, बहुत डिस्टर्ब करते हैं, रात तक डिस्टर्ब करते हैं। तो ये टॉप कुछ ऐसा है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता दिखा, मुझे लगा कि यार इतना सस्ता टॉप कैसा होगा कैसा नहीं, तो मैंने कहा चलो मंगा के देखते हैं। तो इसी में ऐसे स्ट्रैप में था, एक ब्लू एंड ब्लैक था और एक वाइट था। तो ब्लैक कलर के मेरे पास इस टाइम टॉप सूट और मेरी टाइप की हो चुकी है, तो मैंने उसे नहीं मंगाया, मैंने वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन चूज किया। गाइस, ये फुल लेंथ टॉप है, मतलब कमर तक है, और बहुत ही ज़्यादा प्यारा है कपड़ा, बहुत सॉफ्ट है। स्लीव इसकी कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे इलास्टिक दी हुई है, और जब पहनोगे ना तो हल्की सी पफी स्लीव्स है, तो सुंदर लग रहा है। प्राइस वाइज कपड़ा बिल्कुल ठीक है, पर हल्का सा सी थ्रू है, जैसे कॉटन्स में होता है कि अंदर आपको लाइनिंग पहननी पड़ेगी। तो आप इसे डायरेक्ट पहनने को लोग पहन सकते हैं, पर मुझे पर्सनली पसंद नहीं है ऐसे हल्के कपड़े,
तो उसके अंदर इनर पहनने के बाद ये बहुत ज़्यादा सुंदर वाला लगेगा, स्मार्ट पीस जीन्स पे, ब्लू जीन्स, ब्लैक जीन्स पे, तो मुझे अच्छा लगा। और इसका प्राइस था 163 रुपीज़। यस, 150 रुपये का टॉप अच्छा है। मैं यह मॉडल है पूरा ला दूँगी, यहाँ पे फोटो डाल दूँगी ताकि आपको और भी क्लियर समझ पाओ कि कैसा लुक होगा अगर जीन्स के साथ कैरी करोगे। दूसरी चीज़ मंगाई है मैंने ये क्वाड सेट, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा इन है फैशन में। बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो या कोई इंस्टाग्रामर या कोई भी ऐसे आजकल ले रहे हैं, तो मैंने भी देखा था। तो मैंने ऐसे फ्लिपकार्ट पे देखा था, और फ्लिपकार्ट पे ये था 500 के अबव था, और आई डोंट नो कपड़ा उसका कैसा होगा। और मैंने ये मंगाया मीशो से, ये हमें पड़ा है 300 का, 300 समथिंग कुछ है, मुझे करेक्ट प्राइस याद नहीं है। तो मैंने ये मंगाया है, और इसका कपड़ा अच्छा है, हल्का है, बट शायद लाइक्रा वाला कपड़ा नहीं होता है, वैसा टाइप का है, स्ट्रेचेबल जो होता है, स्ट्रेच होता है ऐसे वाला। और सुंदर सा फुल लेंथ, काफ़ी ज़्यादा चौड़ा टाइप का टॉप है ये। तो मैंने इसमें किया क्या था, आजकल बैगी टी शर्ट्स बहुत चल रही हैं, तो मैंने सोचा कि मंगा लेते हैं, थोड़ा सा लूज रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो मैंने मंगा लिया टॉप, तो आजकल जैसे फैशन में है बैगी टी शर्ट्स लोग पहन रहे हैं, तो टॉप तो ठीक लग रहा था। अगर आपको टाइट पहनना है तो नॉट बना लो, वो भी फैशन में हो जाएगा, लूज पहनना तो लूज कर लो, हाफ टक इन कर लो, काफ़ी कुछ कर सकते हो बैगी टी शर्ट में, तो ये तो ठीक था। बट आई फॉरगेट कि अगर हम साइज बड़ा करके मंगाएंगे तो पैंट भी उसी हिसाब की तो मिलेगी ना। तो मैंने इसे मंगाया, टॉप तो ठीक लग रहा था, पर पैंट बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी है, उसमें मैं ना पूरा कवर हो गई थी। बाय द वे ये पैंट का कपड़ा भी वही सेम कपड़े का है, और इसमें ना यहाँ पे नीचे की तरफ ऐसे इलास्टिक दिए, तो वो चलता नहीं था, एक पैजामा चलता था जिसमें नीचे की तरफ इलास्टिक देते थे, वैसा कुछ है ये। और इसकी पॉकेट काफ़ी स्पेसियस है, और दोनों तरफ उतनी ही पॉकेट दी है। ये देखिए, आज तक किसी ने ऐसा रिव्यू तो नहीं दिया होगा कि पॉकेट कितनी बड़ी है, पर ठीक है, मेरा चैनल वैसा वाला नहीं कि मैं प्रॉपर वैसा वाला रिव्यू दूँ, सच्चा बताना ही असली रिव्यू होता है। तो इसकी पॉकेट काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं, और यहाँ पे पूरे में इलास्टिकेटेड है पूरी पैंट में, और उसके बाद एक ये, और उसके बावजूद ये एक लेसेस दी हुई है ताकि आपका अगर इलास्टिक ढीली हो जाती है तो आपका काम इससे चल जाए और आपकी एम्बैरेसमेंट ना फेस करना पड़े। बट मेरे संग प्रॉब्लम क्या हुई ना कि टॉप तो चलो ठीक है, लेकिन ये जो है ना पैंट बहुत ज़्यादा बड़ी, और देखो स्पेस देख रहा, इतना ज़्यादा चौड़ी चौड़ी पैंट है, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं मांगे का पहनी हुई, किसी का मांग लाए, तो मेरे परफेक्ट नहीं हुआ, मुझे मेरे साइज़ का ही मंगाना चाहिए था। बट बाय द वे इसमें जैसे ये इस टाइप का प्रिंट है, वैसे रेड में है, ऑरेंज में है, पिंक में है, तो उनमें से कुछ मैं मंगाऊंगी, और जब मंगाऊंगी तो आपके साथ शेयर भी करूंगी। तो चलो गाइज, आज का मैं ब्लॉग अभी ख़त्म करती हूँ, बहुत ज़्यादा बातें बातें हो गई हैं, मैं मिलती हूँ कल के ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, बाय बाय फ्रेंड, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।